हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखें, बीच में छोड़कर ना जाएं। आप बहुत चीज़ें सीखने वाले हैं आज के वीडियो में, ठीक है ना। मैंने पहले बहुत बार वीडियो बनाया है, हमारे चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जब हम यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताते हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं तो कैसे कैसे तैयारियों के साथ रहना है हर एक मसीह भाई बहनों को। लेकिन आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो स्वर्ग जाने वाले हैं और जो नरक जाने वाले हैं, दोनों के लिए है, ठीक है ना। सिर्फ स्वर्ग जाने वाले के लिए नहीं, नरक जाने वालों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, शायद आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने जीवन को बदलें और आप नरक जाने की वजह स्वर्ग पहुंच जाए, है ना। और इसका खासकर ये वीडियो जो है मसीह लोगों के लिए है, ठीक है, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए। तो यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो भैया ये वीडियो पूरा देखें, छोड़ के ना जाएं। आपके लिए बहुत ही दमदार वीडियो होने वाला है। अगर इस वीडियो को आप छोड़ देंगे तो बहुत कुछ मिस कर देंगे, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है ना। आज हम देखने वाले हैं, हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है न्याय का दिन कैसा होने वाला है, है ना। न्याय करने के लिए कौन आ रहा है? हमारा प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, जो स्वर्ग से आएंगे मसीह लोगों को लेने के लिए। आज वो स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अनुग्रह कर रहे हैं हमारे और आपके लिए, पिता से बात विवाद कर रहे हैं, परमेश्वर से बात विवाद कर रहे हैं। क्या बात विवाद कर रहे हैं? कि पिता एक मौका और दे दो, ये पाप कर रहे हैं। पिता कह रहे हैं ये तो पापी है, ये बार बार पाप करता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है प्रभु एक मौका और दे दो, पिता एक मौका और दे दो, शायद ये बदल जाए। इस तरह वो बात विवाद करके हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं ना। लेकिन जब यीशु मसीह को पिता भेजेंगे स्वर्ग से, जाओ जाकर कलीसिया को, कलीसिया कौन है? जो पवित्र जीवन जीती है, परमेश्वर के नाम वचन के अनुसार, यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीती है जीवन, वो कलीसिया को लेने के लिए जब परमेश्वर अपने पुत्र को भेजेंगे, तब वो जब आएंगे तो न्यायाधीश बनकर आएंगे। यीशु मसीह क्या बनकर आएंगे? न्यायाधीश, और सबका न्याय किया जाएगा। तो भैया जब वो आएंगे तब क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होगा, उस बातों को आज मैं बताने वाला हूँ। इसीलिए वीडियो अच्छे से देखें, मैंने शुरू में ही कहा वीडियो छोड़कर मत जाएं। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आपको सुनना है, समझना है, इसलिए देखते रहो पूरा वीडियो, देखा बीच में छोड़ के मत जाइए, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो मती रचि सुसमाचार यानी कि मत्ती की पुस्तक में अगर हम पढ़ते हैं, उसके 25 अध्याय उसका 31 आयत में इस प्रकार लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहे, यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब मैं आऊँगा, जब मैं वहाँ स्वर्ग से आऊँगा तो अपने पिता के महिमा में आऊँगा। किसकी महिमा? परमेश्वर की महिमा के साथ आएगा। मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, यानी कि परमेश्वर की महिमा के साथ आएगा, और उसके साथ कौन होंगे? स्वर्गदूत होंगे। उसके साथ कोई इंसान नहीं होगा, स्वर्गदूत होंगे, और वो अपनी महिमा में आएगा। जो महिमा परमेश्वर ने उसे दिया है उस महिमा के साथ आएगा, जिस महिमा को छोड़कर, स्वर्ग की महिमा को छोड़कर जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आए थे, उसी महिमा को अब वो लेकर आएंगे अधिकार के साथ, ठीक है। और क्या होगा? सिंहासन पर विराजमान होगा, महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। इसीलिए यीशु मसीह आने वाले, ध्यान रखिए न्याय के दिन क्या होने वाला है। सारे मसीह लोग जो अभी इस समय अपने आप को पवित्र बताते हैं, मसीह जीवन जीने की बात करते हैं, आप सब लोग ध्यान से सुनिए। अगर आप पवित्र जीवन जीते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, और अगर आप पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं तो समझ लीजिए आपके लिए कौन सी खबरी है, ठीक है। इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा वचनों को। 32 कहता है, और सब जाति उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है सब जातियां, इस पृथ्वी में जितनी जातियां, सब उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। कौन इकट्ठा करेगा? स्वर्गदूत। जैसे चरवाहा भेड़ बकरियों को इकट्ठा करता है ना, भेड़ों को भी बकरियों को चराने वाला चरवाहा होता है, वो दोनों को एक साथ चराता है, दोनों को इकट्ठा करता है, बाद में शाम को दोनों को इकट्ठा कर लेता है, भेड़ों को भी बकरियों को भी। वैसे ही स्वर्गदूत स्वर्ग से आकर सबको इकट्ठा करेंगे, पूरे दुनिया के जितनी जातियां सबको इकट्ठा करेंगे, उनको इकट्ठा किया जाएगा। किसके द्वारा? स्वर्गदूतों के द्वारा स्वर्गदूत करेंगे। और जैसा चरवाहा भेड़ और बकरी को अलग अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेंगे। हालेलुया। करेगा परमेश्वर अलग करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह जैसे चरवाहा होते ना, चराने वाले भेड़ बकरियों को चराते, देखो जब शाम को चरा के इकट्ठा करते हैं तो भेड़ों को अलग कर देते हैं, बकरियों को अलग कर देते हैं, दोनों को एक साथ में नहीं रखते हैं। ऐसे ही यीशु मसीह आने के बाद स्वर्गदूत संसार के लोगों में सबको इकट्ठा करेंगे, भेड़ों को भी और भेड़ जो बाकी बकरी है उनको भी इकट्ठा करेंगे। बकरी कौन है इसमें वचन में? बकरी वो है जो परमेश्वर के साथ चलते तो हैं, कहते हैं हम मसीह हैं,
और परमेश्वर के आराधना करते सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका स्वभाव भेड़ों के समान नहीं है, बकरी के समान है। तो वो ऐसे लोग हैं जो आज्ञा को सुनते जरूर हैं लेकिन मानते नहीं हैं। तो भेड़ और बकरी दोनों को एक साथ करके लेकर आएंगे लेकिन दोनों को अलग किया जाएगा। तो आज आपको देखना होगा आप भेड़ हैं कि बकरी हैं। परमेश्वर का वचन आपको चेतावनी दे रहा है, ठीक है, दोनों को अलग अलग किया जाएगा, भेड़ों को और बकरियों को। लेकिन अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये देखने वाली है, आप अपने आप को परखिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह क्या करने वाले हैं। सुनिए 33 कहता है, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, ठीक है, भेड़ों को जो मसीह की कलीसिया है, जो विश्वास में बढ़ रही, जो आप अगर प्रभु के वचन में चल रहे हैं, विश्वास में चल रहे हैं, तो आप भेड़ हैं, वो क्या करने वाले हैं, वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। हालेलुया। जो बकरी है जो सुनती है भेड़ों की आवाज़ लेकिन करती अपनी मनमानी है। कभी आपने भेड़ बकरियों को चरते देखा है? भेड़ वही करती हैं जो चरवाहा कहता है, उस खेत में जाओ तो उस खेत में जाकर खाते हैं, लेकिन बकरियों को जब दिखा दो इस खेत में जाओ, घुसती हैं लेकिन निकल के किसी दूसरे खेत में चली जाती हैं। ऐसे ही आजकल बहुत सारे मसीह वचन प्रचार करता है, पास्टर कुछ बोलता है, सिखाता है, तो चर्च में तो सुन लेते हैं लेकिन घर में आकर वो चीज़ नहीं कर रहे होते, अपने जीवन में वो नहीं कर रहे होते। चर्च में प्रचार हुआ, भैया व्यभिचार नहीं करना, किसी स्त्री को गंदी निगाहों से मत देखना, हाँ हाँ चर्च में सुन लिया, वाह 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 वाह, जैसे ही चर्च से बाहर निकले खूबसूरत सी लड़की दिख गई, लड़का दिख गया, उनकी आँखें उनके पीछे लग गई, है ना। वो वचन कहाँ गया भाई, वचन कहाँ गया पता नहीं, बस अब तो इनके पीछे चलना है। ऐसे लोग बकरी हैं, ठीक है, चरवाहा भेजते किधर हैं, जा किधर रहे हैं। तो ऐसे को परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं दाहिनी ओर खड़ा करूंगा उन लोगों को जो अच्छे हैं, जो भेड़ हैं, जो चरवाहा की शब्दों को सुनकर चल रही थी, और जो बकरियां हैं जो शब्द तो सुन रही थी लेकिन चल नहीं रही थी उस हिसाब से, उनको मैं अपनी बाईं ओर खड़ा करूंगा, इस प्रकार परमेश्वर कह रहा है, ठीक है ना। और क्यों खड़ा करा जा रहा है उन लोगों को, ये भी समझ लीजिए कि भेड़ों को अलग अलग क्यों किया जा रहा है, भेड़ बकरियों को। तो इस प्रकार लिखा हुआ है कि जब वो बकरियों को क्या करेगा, अलग कर लेगा, तब लिखा 34 में, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वाले से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हालेलुया कह रहा है, जो भेड़ है उनसे कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जब से जगत बना उसके आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। यीशु मसीह दाहिने और खड़े भेड़ों को कह रहा, आओ परमेश्वर के राज्य में आ जाओ जो मेरे पिता ने तुम्हारे लिए तैयार किया है, ठीक है। इस बात को याद रखना कि आप भेड़ हो कि बकरी, देखिए आपकी आंखें किधर जा रही हैं। यीशु मसीह ने कहा, भैया व्यभिचार छोड़ो, तुम तो किसी को कुदृष्टि से देख भी नहीं सकते हो, अपने मन में व्यभिचार कर चुके हो, तो देखियो भैया कौन कौन सी जगह पे तुम्हारी आंखें जा रही हैं। शरीर का दिया क्या है, आंखें। मती कह रहा है शरीर का दिया आँख है, फिर तुम्हारी आँखें क्यों गंदी हो रही हैं? अगर आँखें तुम्हारी गंदी हो रही तो तुम्हारा सारा शरीर जो है अंधियारे में होगा। हालेलुया, परमेश्वर कह रहा है। अब भेड़ तो चले गए भैया स्वर्ग में, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में चल रहे थे। तो भैया बकरियों का क्या हुआ जो बाईं ओर खड़े थे, चलिए बकरियों के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए उसका अगर हम 41 को पढ़ते हैं, 25-41, मत्ती 25-41, वहाँ लिखा है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगो, सुन लो। वो बाईं ओर जो बकरियाँ खड़ी थी, जो चरवाहे के साथ चलती तो थी लेकिन उसकी बात नहीं मानती थी, वो कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहा है, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। कौन से? नरक में चले जाओ, अनंत आग में, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। शैतान के लिए तैयार की गई और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। अब तुम भी उसमें जाओ, क्योंकि तुमने मेरे साथ चलने का नाटक किया था। तुम मेरे भेड़ों के संग चलते तो थे लेकिन उसके जैसा काम नहीं करते थे। तो भैया बहुत सारे जो मसीह आज घूम रहे हैं ना, आप में से ही बहुत सारे ऐसे लोग अभी होंगे जो चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन को जांच कर देखो, आप भी कहीं ना कहीं बकरियों की तरह होंगे। तो सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरोगे तो शैतान के संग अनंत काल के आग में डाल दिए जाओगे, जो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाएगा। भैया ये चेतावनी है, इसमें कोई मजे लेने वाली बात नहीं है। इस वीडियो को देख कर खुश मत हो जाना कि हाँ ये मेरे लिए नहीं था, दूसरे के लिए था। पहले अपने जीवन को परख लो, अगर सच में ही आपके लिए नहीं है तो भैया दूसरे के लिए प्रार्थना भी कर लेना जो नरक जा रहे हैं। मैंने ये वचन आप तक पहुँचा है क्योंकि मुझे पता है कि वो नरक कितना खतरनाक है। आप मत जाओ वहाँ, इस वचन को सुनकर अपने जीवन को बदल लो, घमंडी मत बनो, अपने आप में ये मत सोचो कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं कभी भी नरक नहीं जाऊँगा, मैं कभी बुराई में नहीं पड़ूंगा। भैया शैतान आपसे ज़्यादा चालू है, आपको उलझा देगा, फंसा देगा और उसके बाद घेर घार के नरक में ले जाएगा। इसीलिए वचन को समझो, पढ़ो, जो बातें आपसे कही इस पर मनन करो
प्रार्थना करो, परमेश्वर से क्षमा मांगो, प्रभु जरूर आपकी मदद करेगा। ठीक है भैया, बकरी मत बनो, भेड़ बनो, क्योंकि अंत के समय में सबको उठाकर नरक में डाल दिया जाएगा, जो बकरी की कैटेगरी में होंगे उसके भाग में होंगे। ठीक है भैया, इसीलिए ध्यान से पवित्र जीवन जियो और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।